नहीं, अभी सिचुएशन काफी ठीक है क्योंकि रात में हमें दो हिस्सों पे काम करना था। एक तो जो मशीन का प्लेटफॉर्म उसको पुख्ता करना था, रिवैम्प करना था, वो आराम से हमने रिवैम्प कर दिया और रिवैम्प करने के बाद फिर मशीन चला करके ऑगर को निकाल दिया और पाइप के मुंह पर जहां पर थोड़ा सा कहीं पे दबाव था उसको दबाव को हटाने के लिए पाइप को काटने का काम अभी चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं अगले घंटे में वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम जो हमारी नॉर्मल प्रक्रिया है ऑगर ड्रिलिंग की उसके लिए अपनी तैयारी करेंगे, मशीन में ऑगर भेजेंगे, वेल्ड करेंगे नया हिस्सा और फिर जोड़ करके नई ड्रिलिंग शुरू करेंगे। उसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जैसे मैं कह रहा था पहले कुछ साथियों से आपके, कि पार्सन्स कंपनी ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से जो स्टडी की है उसमें हमने ये पाया है कि अगले 5 मीटर तक 45 के बियॉन्ड कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इसका मतलब साफ है कि हमारी जो ड्रिलिंग है वो स्मूथ होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं कह रहा था जब हम पुराना मलबा निकाल रहे थे उसमें हमें दो मैंगल्ड पाइप्स, बिल्कुल ही घूमे हुए मुड़े हुए पाइप्स मिले हैं। इसका मतलब पहले वो कहीं हमारे लिए उलझन कर रहे थे, अब हमारी उम्मीद काफ़ी अच्छी बंधी हुई है और हम आशा करते हैं कि हम आज शाम तक डीआरडीओ जो 20 मीटर फर्दर जो एरिया है उसका स्कैनिंग, मैंने आपको जीपीआर का रिजल्ट बता दिया। जी जी सर, आज शाम तक